अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे और टॉपिक इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड वी विल डिस्कस इट एग्जांपल। देखिए बेटा, इसमें हमने एक गन और एक बुलेट को कंसिडर करना है, ठीक है। अब आपको पता है, फायरिंग से पहले आपकी गन जो है और बुलेट दोनों जो क्या होती हैं, वो रेस्ट पे होती हैं, ठीक है। जब दोनों चीज़ें रेस्ट पे आपके पास, तो टोटल मोमेंटम आपके पास कितना है, दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। टोटल मोमेंटम आपके पास ज़ीरो होगा। जब आप गन को फायर करते हो तो बुलेट शूट होती है आफ्टर द गन, ठीक है। गन से वो शूट आउट हो जाती है, ठीक है, और कुछ मोमेंटम आ जाता है उसके पास, ठीक है। अब कंजर्व करने के लिए आपके पास सिस्टम में मोमेंटम, आपने अगर कोई गन बच्चों वाली भी होती है, ठीक है, अगर आपने वो देखा हो या किसी को गन चलाते हुए आपने देखा हो, तो जो है गन रिकॉयल करती है। रिकॉयल का मतलब है पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये उसका रिएक्शन होता है, ठीक है, कि गन के अंदर भी जब वो रिकॉयल करती है उसमें भी कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट विल बी ज़ीरो आफ्टर द गन इज़ फायर्ड। तो कह रहे हैं कि टोटल मोमेंटम जो है गन और बुलेट का ज़ीरो होता है जब गन जो है वो फायर्ड होती है, ठीक है। अब आपके पास लेट सपोज मास एम है, बुलेट का वेलोसिटी इसकी वी है ऑन फायरिंग द गन, जब इसे गन से फायर किया गया है, यहाँ पे देखें, ठीक है। और जब और उसके बाद आपके पास जो ये जो कैपिटल एम है, ठीक है, डैट विल द मास ऑफ गन एंड कैपिटल वी विल बी मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ द गन जब ये रिकॉयल करती है। तो टोटल मोमेंटम आपके पास बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर फायरिंग क्या है, वो तो ज़ीरो है, ठीक है। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर, बाद में जो गन और उसका आफ्टर मोमेंटम आपके पास आया है, डैट इज़ आपके पास गन का क्या है, मास एम था, वेलोसिटी वी थी, ठीक है। और आपके पास जो है, देन आपके पास क्या है, जो बुलेट का जो है मास स्मॉल एम था, वेलोसिटी स्मॉल वी थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक टोटल मोमेंटम जो है आफ्टर द गन इज़ फायर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर द गन इज़ फायर्ड। तो आफ्टर क्या है आपके पास, ये वाली टर्म एम वी प्लस एम वी इक्वल्स टू ज़ीरो, और बिफोर क्या है, बिफोर आपके पास ज़ीरो था, ठीक है। आपने इसको कंपेयर किया, इसको इधर ले गए आप, एम वी इक्वल्स टू माइनस एम वी, वी इक्वल्स टू माइनस एम बाय वी, ठीक है। ये आपकी जो ये इक्वेशन आ रही है, वी इक्वल्स टू एम बाय एम इंटू वी, ये आपके पास जो है वेलोसिटी है आपकी गन की, ठीक है। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि आपकी जो है गन जो है रिकॉयल कर गई, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में बुलेट के मूव किया इसने। द गन रिकॉयल्स, ठीक है, सिंस द मास ऑफ गन इज मच लार्जर देन द बुलेट, देयरफॉर रिकॉयल इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देखें, आप ये कहते हो कि गन तो बहुत तेज़ी से, गन में से बुलेट बहुत तेज़ी से जाती है, लेकिन उस तरह से आपकी जो है गन ने रिकॉयल नहीं किया। तो ये इसलिए नहीं किया क्योंकि गन का मास ज़्यादा है, बुलेट का मास कम है, जिसकी वजह से इसकी रिकॉयल जो है वो स्मॉलर है। इसी तरह जेट इंजन्स, रॉकेट्स जो है, ये सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इन दीज मशीन हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट द लार्ज मोमेंटम, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल से वहाँ पे क्या होता है, लार्ज मोमेंटम आता है। तो मशीन जो है, अब देखें नीचे की तरफ लार्ज मोमेंटम, जब गैस जो है जल रही है, ठीक है, वो फोर्स नीचे की तरफ लगाएगी। इन रिटर्न आपके पास जो है रॉकेट है और या कोई भी आपके पास जो है जेट इंजन है, वो आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और उनको वेलोसिटी उनकी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। वो इस रूल पे एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।